सभी को नमस्कार। जनपद अभियांत्रिकी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मोर्टार एंड लाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे मोर्टार के बारे में। तो मोर्टार, जैसे कि आप जानते होंगे, ये होता है हमारा एक तरह का गारा, जो हम ब्रिक मेसनरी या फिर स्टोन मेसनरी बिछाने के लिए यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते थे, मोर्टार। और अगर इसे हम यूं देखें कि एजुकेशन में हम इसे कैसे पढ़ते हैं, तो मोर्टार एक तरह का पेस्ट होता है, ठीक है। इस पेस्ट में क्या क्या ऐड होता है, एक तो होता है वॉटर, ऑब्वियसली पानी तो डाला ही जाएगा। वॉटर के बाद इसमें डाला जाता है एक बाइंडिंग मटेरियल, जो कि पार्टिकल्स को बांधने का काम करता है, और उसके साथ में डाला जाता है एक फाइन एग्रीगेट, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि ये तो देखे देखे पार्टिकल्स लग रहे हैं कि मटेरियल था बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, वॉटर, ये तो एक और चीज में डाला जाता है, वो डालते हैं हम कॉन्क्रीट में। इन सब के अलावा अगर इसमें कोर्स एग्रीगेट भी डाल दिए तो बन जाएगा कॉन्क्रीट। अगर कोर्स एग्रीगेट का एक्सक्लूड कर दिया तो क्या आएगा हमारे पास, मोर्टार आ जाएगी, ठीक है। बाइंडिंग मटेरियल में यहाँ पर हम क्या क्या ले लेते हैं, या तो लाइम लेते हैं या फिर सीमेंट ले लेते हैं, और फाइन एग्रीगेट में हम जनरली क्या लेते हैं, हमारी सैंड, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पर मोर्टार है वो किसका मिक्सचर है, वॉटर, बाइंडिंग मटेरियल और फाइन एग्रीगेट्स का। और इसी में अगर हमने डाल दी हमारे कोर्स एग्रीगेट यानी कि ग्रेवल, तो क्या बन जाएगा, कॉन्क्रीट। तो मोर्टार का देखते हैं हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। मोर्टार का यूज जनरली किया जाता है जॉइंट फिलिंग के लिए, ठीक है। और साथ में जॉइंट फिलिंग आपने देखा कि पॉइंटिंग होती है कि हम इस तरह से मेसनरी स्ट्रक्चर है, यहां से जॉइंट को हम रेक करके 10 से 12 एमएम तक खोद के वापस उसके बाहर इस तरह से सीमेंट को फ्रेश, ये जो हमारी मोर्टार होती है रिच लाइन मोर्टार या फिर रिच सीमेंट मोर्टार, उसको फिलअप कर देते हैं थोड़ा सा बाहर निकाल के, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंटिंग। तो वहां पर भी मोर्टार यूज होती है, प्लास्टरिंग में भी यूज होती है हमारी मोर्टार, ठीक है। और उसके बाद मोर्टार और कहां यूज होती है हमारी, ब्रिक मेसनरी और स्टोन मेसनरी में, ठीक है। तो ये थे मोर्टार की यूज। अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार, मोर्टार का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है। सबसे जो पहला क्लासिफिकेशन का हमारा बेस होगा वो किसके हिसाब से होगा, टाइप ऑफ इसकी, सॉरी टाइप नहीं, बल्क डेंसिटी के हिसाब से, बल्क डेंसिटी के हिसाब से। सेकंड हम पढ़ेंगे हमारा टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल के हिसाब से, ठीक है। थर्ड देखेंगे इसका कि नेचर ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। और फोर्थ क्लासिफिकेशन हो जाएगा हमारा इसका स्पेशल टाइप ऑफ मोर्टार्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ते हैं बल्क डेंसिटी के हिसाब से। एक तो हो सकती है हमारी हैवी वेट मोर्टार और एक हो सकती है हमारी लाइट वेट मोर्टार, ठीक है। वेट की जनरली, वेट की जगह आपको जनरली ये भी मिल सकता है कि हैवी मोर्टार है या फिर लाइट मोर्टार है। तो पहला टाइप तो हो गया इसका हैवी मोर्टार और दूसरा लाइट, कि मतलब इनका यूनिट वेट कितना होगा। तो क्लासिफिकेशन का तरीका क्या होता है, एक हमने क्वांटिटी फिक्स कर रखी है यूनिट वेट की, अगर इसका यूनिट वेट 15 किलो न्यूटन पर एमएम, सॉरी मीटर क्यूब से ज्यादा हो जाता है तब तो हम इसे बोलते हैं हमारी हैवी मोर्टार, और अगर मोर्टार का यूनिट वेट 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम हो जाता है तब हम उसे बोल देते हैं हमारी लाइट मोर्टार। जब हमें हैवी मोर्टार चाहिए तब फाइन एग्रीगेट की जगह हम कौन सा मेटेरियल यूज करेंगे, क्वार्ट्ज, ठीक है। और जब हमें लाइट मोर्टार चाहिए तब फाइन एग्रीगेट की जगह हम पोरस सैंड या फिर एक प्यूमिस स्टोन रहता है हमारा, उसको क्रश करके उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे, जो कि बेस्ड है हमारे टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल पे, कि हमने उसके अंदर लाइन डाला है या सीमेंट डाला है या फिर उसको गेस्ड मोर्टार बनाया है या फिर उसमें सुर्खी डाली हुई। तो सबसे पहला जो टाइप पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हमारा लाइम मोर्टार, ठीक है। और ये किसके बेस पर क्लासिफाई किया हमने, टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि हमें बाइंडिंग मटेरियल क्या है हमारा, लाइम है। और लाइम जनरली क्या रहता है कि लाइमस्टोन का जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तब हमें लाइम मिलता है, क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब लाइम में या तो हमारे पास
फैट लाइन हो सकता है या फिर हाइड्रोलिक लाइन हो सकता है। फैट लाइन तो क्या होता है, थोड़ा प्योर होता है, इसमें इंप्योरिटीज रहती हैं, लेस देन 5% होती है, ठीक है। और जो हमारा हाइड्रोलिक लाइन यूज किया जाता है उसमें इंप्योरिटीज होती है हमारी 5 से लेकर 30% तक। और जो इंप्योरिटीज होती है वो होती है जनरली क्ले की। अब क्ले क्या करता है कि हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है कि पानी के अंदर सेट होने वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, नोट करके लिख सकते हैं, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी मतलब पानी के अंदर सेट होने वाली प्रॉपर्टी। अब इसमें ज्यादा है मतलब पानी के अंदर ये इजिली सेट हो जाएगा, ये पानी के अंदर सेट नहीं हो पाएगा। तो हम फैट लाइन को तो जहां पर डैम्पनेस हो या फिर एयर का सर्कुलेशन ना हो पाए वहां यूज नहीं कर पाते, और जहां डैम्पनेस हो मतलब पानी के नीचे सेट कराना हो, थिक वॉल के नीचे जहां एयर का सर्कुलेशन ना हो, वहां हाइड्रोलिक लाइन हमारा अच्छे से काम कर जाएगा, ठीक है। और ये क्या होते हैं, स्लेक करते हैं, ठीक है, मतलब कि पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके फटाफट ये टूट जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में अपने, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसे हम हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं, हाइड्रोलिक नहीं हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं, जो कि उसका एक तरह से चूना सा बन जाता है, एकदम चूरा सा बन जाता है। तो वो क्या हो जाता है हमारा फैट लाइम, ठीक है। और हाइड्रोलिक लाइम है हमारा ये धीरे धीरे सेट होता है, सेट स्लोली। तो ये सब चीज की प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी फैट लाइम की क्या होती है, ये श्रिंक करता है, इसमें श्रिंकेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस श्रिंकेज की जो रिडक्शन होगा उसको दूर करने के लिए जो इसका वॉल्यूम होता है वो सैंड के वॉल्यूम से 2.5 से 3 गुना तक लिया जाता है, और इसमें ज्यादा श्रिंकेज नहीं होता। हमारा जो हाइड्रोलिक लाइम होता है इसमें ज्यादा श्रिंकेज नहीं होता है। ये काफी व्हाइट कलर का होता है इसलिए व्हाइट वॉशिंग वगैरह के लिए इसको यूज करते हैं। इसमें स्ट्रेंथ आती है हमारी, इसलिए जब स्ट्रेंथ का पर्पज होता है ये यूज करते हैं, और जब ऑर्नामेंटल पर्पज होता है हमारा फैट लाइन को हम यूज करते हैं। सेकेंड है हमारा टाइप सुर्खी मोटा। सुर्खी मोर्टार, तो सुर्खी क्या रहती है, जनरली क्रस्ट जो ब्रिक होती है उसे हम हमारी सुर्खी कहते हैं। और जब मोर्टार के अंदर लाइम या फिर सीमेंट का जो मिक्सचर है उसके साथ हम सैंड की जगह या फिर हाफ क्वांटिटी में, कि पहले जितनी सैंड डाली थी उसकी हाफ की हमने सुर्खी डाल दी, या फिर पूरी की पूरी ही सुर्खी डाल दी, तब हम उसे क्या बोलते हैं हमारा सुर्खी मोर्टार। और ये किस काम आती है हमारी, आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक मोर्टार बनाने के काम में आती है, ठीक है। क्योंकि एक प्रोवाइड क्या कराती है, आर्टिफिशियली हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड कराती है, मतलब पानी के अंदर सेट होने वाली प्रॉपर्टी। और जनरली इसको जो हमारा मेन यूज होता है एक्सटीरियर वर्क वगैरह के लिए इसको यूज नहीं करती, क्योंकि सुर्खी क्या होती है, डिटेरियरेट कर जाती है, ठीक है, ये क्या कर जाती है, डिटेरियरेट कर जाती है इजिली, इसलिए सुर्खी को एक्सटीरियर वर्क वगैरह होता है वहां पर हम यूज नहीं करते। तीसरा है हमारा सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार में सीमेंट और सैंड का जो रेशियो रहता है वो रहता है जनरली 1:2 से लेकर 1:6 तक, इससे नीचे नहीं लिया जाता। इससे ज्यादा अगर रिच हमने मोर्टार बनाने की कोशिश की तो उस मोर्टार में हमें रिक्वायर्ड जो स्ट्रेंथ है वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। और सीमेंट का यूज कहां करते हैं, जहां पर हमें हायर वाटर टाइटनेस चाहिए होती है, ठीक है, हायर वाटर टाइटनेस या ज्यादा स्ट्रेंथ और बेटर प्रॉपर्टीज चाहिए हमें, यानी कि हमें ज्यादा स्ट्रेंथ वगैरह या फिर वाटर टाइटनेस कहां चाहिए हो सकती है, एक तो सैचुरेटेड सॉइल में, ठीक है। और सॉइल वगैरह हमें कहां मिलेगी, फाउंडेशन के अंदर, और हमें पता है फाउंडेशन हमारी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जो इंपॉर्टेंस का वर्क है उसके लिए हमने कौन सा यूज किया हमारा सीमेंट का मोर्टार, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट है हमारा गेज मोर्टार। गेज मोर्टार में क्या रहता है, जब भी हमें इंप्रूव्ड प्रॉपर्टी चाहिए होती है, एक्स्ट्रा बेनिफिशियल प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, लाइम के साथ साथ सीमेंट को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। एक तो क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा हमने लाइम की जगह सीमेंट को रिप्लेस नहीं किया, तो एक तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, ठीक है, बेटर स्ट्रेंथ तो आई गई यानी कि बेटर प्रॉपर्टीज हमें मिल गई। उसके बाद
ये जो प्रोसेस थी कि लाइम के अंदर थोड़ा सा सीमेंट ऐड करना, इसको हम बोल देते हमारी गेजिंग प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोसेस हो जाती है गेजिंग, और जो हमारी मोर्टार बनी है उसे हमने क्या बोल दिया, गेज मोर्टार। लाइम और सीमेंट का जो रेशियो रखा जाता है जनरली 1:6 to 1:8 तक रखा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें 1:6 में क्या है, 1 तो है हमारा सीमेंट और 6 क्या है हमारी लाइम। ठीक है, रेशियो में पहले क्या रहेगा कि सीमेंट कम डालेगा लाइम के मुकाबले में, उसने बेटर प्रॉपर्टी दे दी, इकोनॉमिकल बना दिया, अच्छी वाटर टाइटनेस भी दे दी, और हमारी आगे गैस मोटर, और इसको अदर नाम क्या है कि दो चीजों को मिलाकर बनी है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिट मोटर भी कह देते हैं। उसका यूज कहां होगा, जब भी हमें थिक ब्रिक वॉल बनानी होती है, ठीक है, तो थिक ब्रिक वॉल की बेडिंग के लिए जिस मोटर का यूज किया जाता है वो कौन सी होती है, हमारी गेस्ट मोटर। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम हमारी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मोटर्स के बारे में। स्पेशल टाइप ऑफ मोटर, सबसे पहला जो टाइप इसमें पढ़ेंगे वो है हमारा फायर रेजिस्टिंग मोटर। फायर रेजिस्टिंग मोटर कि जो कि फायर को रेजिस्ट करती है, और फायर रेजिस्टिंग मोटर का यूज कहां करेंगे हम, जो हमारी जो कि हमारी ब्रिक्स होती है, फायर रेजिस्टिंग ब्रिक्स, जिनको हम रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स भी बोलते हैं, वो कहां यूज करते हैं, ओवन में, किल में, भट्टियों में, तो उसके साथ जो मोटर यूज की जाती है वो होती है फायर रेजिस्टिंग मोटर। तो इसमें क्या रहता है, जो हमारा एल्यूमिनियम सीमेंट होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम सीमेंट और फाइनली डिवाइडेड जो हमारी फायर रेजिस्टिंग ब्रिक्स हैं, ठीक है, जो ब्रिक्स थी फायर रेजिस्टिंग या रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स हैं, उसको अच्छे से क्रश कर दिया, और उस क्रश ब्रिक को एल्यूमिनियम सीमेंट के साथ 1:2 में जब यूज किया जाता है, जो हमारे पास मोटर आती है वो होती है हमारी फायर रेजिस्टिंग मोटर। वापिस इसका यूज हम कहां कहां करेंगे, हमारी फर्नेसेस में, ओवंस में, किल में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी लाइट वेट मोटर। तो लाइट वेट मोटर में क्या किया जाता है, जब भी हम मोटर को प्रिपेयर कर रहे हैं तब उसमें थोड़ी सी सोडस्ट को ऐड कर दो, ठीक है, या फिर वुड पाउडर को ऐड कर दो, या फिर एस्बेस्टोस फाइबर को ऐड कर दो, तो उससे एक तो क्या हो जाता है, हमारी जो मोटर है उसका वेट तो कम हो जाता है, पर यूनिट वेट तो कम हो गया, प्लस साथ में जो इसका मेन यूज है किस लिए किया जाता है, इसको हीट प्रूफ और साउंड प्रूफ बनाने के लिए। ठीक है, कभी आ जाए आपका कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाइट वेट मोटर का यूज क्यों किया जाता है, उस मोटर को हीट प्रूफ और साउंड प्रूफ बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट है हमारा पैकिंग मोटर। अब नाम से इसके दिख रहा है कि कुछ हमें पैक करना है, तो पैकिंग मोटर यूज किया जाता है हमारे ऑयल वेल को पैक करने के लिए। ठीक है, अब ऑयल वेल को पैक करना है मतलब हमें कुछ लीकेज से रोकना है, तो एक तो सीमेंट के अंदर होमोजीनियस प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि हर डायरेक्शन में एक जैसी प्रॉपर्टी हो, प्लस हमारा वो हाईली वॉटर टाइटनेस प्रोवाइड करा रहा हो हमें। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम पैकिंग मोटर। तो पैकिंग मोटर में हमें किसके लिए चाहिए, टू पैक ऑयल वेल्स, तब तेल के कुएं वगैरह हैं जो, उनको पैक करने के लिए हमें कौन सा चाहिए, पैकिंग मोटर। इसमें क्या होनी चाहिए, एक तो हाई होमोजिनिटी, ठीक है, कि होमोजीनियस इसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाई होमोजिनिटी के बाद इसमें क्या हो, वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी हो, क्या ये वाटर रेजिस्टेंट, और इसके साथ साथ ये एक सॉलिड वाटर प्रूफ प्लग बना पाए। ठीक है, सॉलिड वाटर प्रूफ प्लग बना पाए, ताकि जब भी हम इसको जो हमारी रोक के
क्रैक्स होंगे उनमें फिल करेंगे तब वोटर रेजिस्टेंट या फिर वोटर टाइटनेस की प्रॉपर्टी को शो करे, कुछ भी लीकेज ना हो। ठीक है, तो अगले हमारे बढ़ते हुए नेक्स्ट टाइप है हमारा साउंड एब्जॉर्बिंग मोटर। एक तो हमने पहले कौन सा पढ़ा था कि लाइट वेट मोटर, उसमें हम क्या कर रहे थे कि उसको हीट प्रूफ और साउंड प्रूफ दोनों बना रहे थे। अभी है हमारा फोर्थ टाइप का साउंड एब्जॉर्बिंग मोटर जो कि साउंड को एब्जॉर्ब करेगा। तो साउंड एब्जॉर्बिंग मोटर में क्या किया जाता है, वही लाइट वेट का एक पार्ट है बेसिकली ये, कि हमें इसके यूनिट वेट को रिड्यूस करना है। ठीक है, इसके यूनिट वेट मतलब गामा को हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस इतना करेंगे कि 6 से 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका यूनिट वेट रहना चाहिए। आप देखेंगे कि एक जगह पर 6 है बिल्कुल, कि मतलब पानी से भी कम इसका यूनिट वेट है। ठीक है, कि हम उतना ही वॉल्यूम का पानी लेंगे तो उससे कम भी हमारे जो मोटर होगी उसका यूनिट वेट निकलेगा हमारे पास। ठीक है, और इसमें हमारा हम बाइंडिंग मटेरियल या तो जिप्सम यूज कर सकते हैं, सीमेंट यूज कर सकते हैं और लाइम यूज कर सकते हैं। सीमेंट में यहाँ पे हम कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, और इसका काम क्या था, सीमेंट को साउंड प्रूफ बनाना। ठीक है, कि साउंड प्रूफ प्रॉपर्टी कौन प्रोवाइड करा रहा है, साउंड एब्जॉर्बिंग मोर्टार। अब हम पढ़ेंगे हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोर्टार। एक अच्छी मोर्टार है उसमें क्या क्या होना चाहिए। अब हमें पता है कि मोर्टार का यूज जनरली हम कर रहे हैं ब्रिक मेसनरी, स्टोन मेसनरी में और जॉइंट्स के अंदर कर रहे हैं, मतलब कि एक तो जॉइंट स्ट्रांग होना चाहिए, खुद की स्ट्रेंथ हो, एडिक्वेट स्ट्रेंथ हो उसकी। ठीक है, वो कैपेबल हो डेवलपिंग एडहेशन के। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, पढ़ते हो आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोर्टार। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो इसकी, वो तो क्या होनी चाहिए इसमें, कि इसके अंदर ये कैपेबल हो किसके लिए, डेवलपिंग गुड एडहेजन। ठीक है, दो चीजें होती है, एक तो होता है कोहेजन, एक होता है एडहेजन। कोहेजन का मतलब है पार्टिकल का खुद के साथ चिपकना और एडहेजन का मतलब है किसी और के साथ चिपकना। ठीक है, बेसिकली देसी भाषा में ये होता है। तो एडहेजन हो किसके साथ में, हमारी रॉक या फिर ब्रिक्स के साथ में। ठीक है, और इसमें क्या हो, हमारे पास इसके अंदर एडिक्वेट स्ट्रेंथ आनी चाहिए। ठीक है, कि ताकि ये डिजाइन स्ट्रेसेस है हमारे जो, उनको सहन कर पाए, हमारे जो मोटर हो ड्यूरेबल हो, ड्यूरेबल के साथ इकोनॉमिक भी होना चाहिए, मतलब कि ये थोड़ा सा चीप इन कॉस्ट हो। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो, ये इजिली वर्केबल हो। जब भी मोटर या फिर सीमेंट कंक्रीट की वर्केबिलिटी की बात करते हैं, मतलब हम इसको अच्छे से मिक्स कर पाए, ट्रांसपोर्ट कर पाए, प्लेस कर पाए और कॉम्पैक्शन कर पाए और इसके ऊपर फिनिशिंग वगैरह कर पाए, वहां पर वर्केबिलिटी का काम हो जाता है हमारा ये वाला, कि इजीली हम उसके ऊपर काम कर पाए। उसके बाद क्या हो जाएगा, कि जब मैं ये मटेरियल के साथ यूज करना हो, किसी मटेरियल के साथ यूज करना हो, तो उसके साथ ये क्या हो, केमिकली इनर्ट हो। ठीक है, केमिकली इनर्ट विद मटेरियल इन यूज, कि किसी भी मटेरियल के साथ इसे यूज करें, ऐसे नहीं कि केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ अपनी ही रिएक्शन चल रही है इसकी। स्पेसिफिक ब्रिक या फिर रॉक के साथ ही केमिकली हमारा इनर्ट होना चाहिए, मतलब कि कोई भी रिएक्शन ना करे। ठीक है, अगला है जॉइंट वगैरह में इसके कोई क्रैक नहीं आने चाहिए। ठीक है, जॉइंट शुड नॉट फॉर्म क्रैक्स। ठीक, और जो इसकी अपीयरेंस हो वो लंबे टाइम तक मेंटेन रहे, अपीयरेंस क्या हो, लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटर। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन हमारे से एसएससी जेई के मेंस में पूछा जाता है, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा भी है तो दो तीन प्रॉपर्टी दे देगा, उसमें से पूछा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, पहली दूसरी पहली चौथी, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कि मोटर के जो यूज होते हैं कहां कहां किए जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मोटर, यूज ऑफ मोटर। ठीक है, तो मोटर का यूज सबसे पहले तो एक तो बाइंडिंग मटेरियल की तरह किया जाता है, बाइंडिंग मटेरियल की तरह हो रहा है तो किस किस को बाइंड करने में, ब्रिक मेसनरी होगी हमारी, स्टोन वगैरह हो गए उनको बाइंड करने में काम आएगा।
दूसरा हम मोर्टार के यूज करते हैं हमारे प्लास्टरिंग में, ठीक है, कि प्लास्टर वगैरह, जैसे कि यहां पर भी इसके ऊपर ये लगा हुआ, ये क्या प्लास्टर है और किस चीज का है, मोर्टार का बना हुआ, ये सीमेंट मोर्टार का रहता है, इसके ऊपर फिर पीओपी की जाती है, ठीक है। और साथ में पॉइंटिंग वर्क के अंदर, पॉइंटिंग वर्क का मतलब है हमारा इस तरह से एलिवेशन में हमें क्या दिख रही है, बाहर से दो ब्रिक दिख रही है, अंदर तो क्या था, यहां पर मोर्टार भरा हुआ था, उसके बाद क्या किया, यहां से जो बाहर का मोर्टार होता है इसे उखाड़कर, मतलब इसकी रेकिंग करके अंदर से 10 से 12 एमएम तक रेकिंग करके उसके अंदर बाद में फ्रेश हमारा रिच सीमेंट मोर्टार या फिर लाइम सीमेंट मोर्टार, कंपोजिट मोर्टार भर दिया जाता है। और भरने के बाद ताकि ऐसे बाहर से, ताकि जो पानी है अंदर इसके अंदर परकोलेट ना कर पाए, इसकी स्ट्रेंथ को डिटेरियरेट ना कर पाए, इसलिए जो प्रोसेस की जाती है इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा पॉइंटिंग वर्क, ठीक है। तो वहां भी मोर्टार यूज होता है, और मोर्टार यूज होता है हमारा इवन बेडिंग के लिए, इवन बेडिंग फॉर ब्रिक्स, ठीक है, कि ब्रिक्स वगैरह बिछानी है उसके लिए बेडिंग वगैरह प्रिपेयर करने के लिए हमारा मोर्टार यूज किया जाता है जॉइंट्स में। और ओवरऑल जनरल जो अपीयरेंस होती है उसको इंप्रूव करने के लिए भी मोर्टार का यूज करते हैं। जनरली हम देखें ब्रिक वर्क वगैरह में जो गंदा रहता है तो उसके ऊपर प्लास्टरिंग करके उसके अपीयरेंस को सुधार के जैसे पॉइंटिंग भी कर दी, वो भी एक अपीयरेंस इंप्रूवमेंट का वर्क भी कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे यूज ऑफ मोर्टार। अब हम देखेंगे जो कि मोर्टार में हम लाइम और उसके बारे में तो थोड़ा पढ़ लिया हमने सीमेंट के बारे में, और सीमेंट के हमने अलग से लेक्चर भी बना रखे हैं, तो उसका लिंक यहां देख सकते हैं, ऊपर आपको मिल जाएगा अभी। तो लेकिन जो सैंड का काम था, तो सैंड का फंक्शन क्या है हमारी मोर्टार में उसको देखते हैं हम। फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार, ठीक है। तो सैंड का एक फंक्शन तो होता है बल्किंग करने का, तो बल्किंग करने का ऐसा नहीं कि उसमें बल्क प्रोड्यूस कर रहे, बल्किंग करने का मतलब एक फिनोमेना होता है बल्किंग ऑफ सैंड का, जिसमें से जनरली ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो सैंड के मान लीजिए दो पार्टिकल थे, जैसे हमने पानी इसके अंदर डाला तो 4 से 7 या 5 से 8% अलग अलग जगह आपको ये मिलेगा, जनरली आप मान ले कि 5 to 8%, क्योंकि लैब में भी यही रिजल्ट आते हैं। तो 5 से 8% के बीच में पानी इसके ऊपर सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस के कारण एक पतली सी लेयर बना लेता है, और ये लेयर है जो आपस में क्या करती है, रिपेल करती है। इस रिपल्शन के कारण हमारे वॉल्यूम में ओवरऑल इंक्रीज आ जाता है, और इसी इंक्रीज को हम क्या बोलते थे, हमारा बल्किंग ऑफ सैंड का फिनोमेना। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं किससे किसके बीच में 5% या 4% कुछ भी मिलाओ तो आप टिक कर देना। और क्यों होता है, इस वॉटर लेयर के रिपल्शन के कारण, और वॉटर लेयर फॉर्म हो जाती है और वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि हम वॉल्यूम बैचिंग ना करें, क्योंकि ये क्या है कि सेम वेट तो वही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। अगर हम वॉल्यूम बैचिंग कर रहे हैं तो ओवरऑल जो वेट की क्वांटिटी हमारी सैंड की वो कम हो जाएगी, और जो रिक्वायर्ड हमें प्रॉपर्टी चाहिए थी, जो उसका नॉमिनल डिजाइन मिक्स चाहिए था, वो हमें नहीं मिल पाएगा, वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो दूसरा सैंड का काम क्या है कि ये सेटिंग को इफेक्ट करता है। अब सैंड के पास खुद की कोई सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं, तो इनिशियल सेटिंग टाइम को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि हमारा सीमेंट होता है, जनरली हम सीमेंट अगर डायरेक्ट ही सुखा देते हैं, डायरेक्ट उसको रख देते हैं क्यूरिंग के लिए, तो सीमेंट थोड़े टाइम बाद क्या करेगा, श्रिंक होना स्टार्ट कर देगा। तो सैंड क्या करती है, श्रिंकेज को रिड्यूस करती है, ठीक है, श्रिंकेज को ओवरऑल रिड्यूस कर देगी। और हमारा सैंड का काम क्या है कि ये स्ट्रेंथ भी इंपार्ट करती है, लेकिन यहां पे स्ट्रेंथ का मतलब बाइंडिंग स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, ये मतलब कि बाइंडिंग स्ट्रेंथ दे रही है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ नहीं, आपके हिंदी में लिख लेता हूं आराम से, कि स्ट्रेंथ तो इंपार्ट करती है लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है इसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड कराती है, ना कि बाइंडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये तो थे हमारे कुछ फंक्शन ऑफ सैंड के। अब नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लाइम, इसके ऊपर कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं हमारे। जो ये अभी हमने लाइम मोर्टार पढ़ा था, लाइम मोर्टार के ऊपर जैसे मोर्टार ले ली, जैसे कंक्रीट के ऊपर टेस्ट है, वैसे इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट हो गया, एक ब्रिक के ऊपर बिछा के इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट किया जाता है, और उसके साथ में टेस्ट ये किया जाता है कि कितना मोटर एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, एल्कलीज कैसी है, और वापस वही टेंशन टेस्ट होगा जिसमें ब्रिकेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लाइम, ठीक है। तो लाइम आपको पता है कि एंशियंट टाइम से ही हम इसको यूज करें, पुराने जमाने में सीमेंट तो होता नहीं था, सीमेंट की जगह क्या यूज होता था, लाइम यूज होता था।
और लाइव क्या रहता है कि ये एक रिलायबल अल्टरनेटिव है, ठीक है, रिलायबल अल्टरनेटिव फॉर सीमेंट, और साथ में ये है क्या, चीप भी होता है, कि कॉस्ट इफेक्टिव, जब भी हमें चाहिए थोड़े से पैसे बचाने हैं तब हम कौन सा यूज कर लेते हैं, लाइम यूज कर लेते हैं, जब भी हमें पता है कि लोकेलिटी में हमारे पास लाइम स्टोन ज्यादा प्रेजेंट है तो हम फिर क्या यूज कर लेते हैं, सीमेंट की जगह लाइम यूज कर लेते हैं, या फिर हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगा तब भी हम कौन सा यूज कर लेते हैं, हमारा लाइम यूज कर लेते हैं। लाइम को समझने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन है इसमें वो समझ लेते हैं, जैसे कि कैल्सिनेशन होगी हमारी, रोस्टिंग होगी, लाइम खुद है क्या, ठीक है, और हाइड्रोलिसिटी, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सम बेसिक डेफिनेशंस। पहली जो डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी कैल्सिनेशन। आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारा लाइम बनता है, लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो बनता है हमारा लाइमस्टोन से, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट से, और जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है कि लाइमस्टोन को हीट किया जाता है रेड हॉट होने तक, ठीक है, कैसे हीट किया जाता है कि रेड हॉट होने तक हीट किया है, और साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो तीन ही पॉइंट याद रखने की, एक तो हीट करना है, रेड हॉट हो जाए उतना हीट करना है, और हवा की प्रेजेंस में करना है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, हमारा कैल्सिनेशन। एक और मेटलर्जी में यूज होता है हमारा रोस्टिंग। तो रोस्टिंग होता है हमारा, अगर हमने एयर की एब्सेंस में उसको हीट किया है तो वो चीज कहलाती है रोस्टिंग, एयर प्रेजेंट कराती तो वो क्या कहलाती है, हमारा कैल्सिनेशन, ठीक है। सेकंड हमारे जो डेफिनेशन है वो है हाइड्रोलिसिटी, ठीक है। हाइड्रोलिसिटी का मतलब है पानी के अंदर सेट होने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो कहलाती है हाइड्रोलिसिटी। जनरली क्या होता है, लाइम होता है हमारा प्योर लाइम, यानी कि फैट लाइम या फिर क्विक लाइम ले रहे हैं, उसको पानी में सेट कराना चाहे तो पानी में सेट नहीं होगा, वो स्लेक हो जाएगा, ठीक है। तो पानी में सेट होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिटी, और यह प्रॉपर्टी आती है हमारी क्ले के कारण, ठीक है, आती है क्ले के कारण, उसे बोल क्या दिया हमने, सेट और हार्डन्स इन डैम प्लेसेस, या फिर जहां पे लेस एयर सर्कुलेशन हो, कि हवा का सर्कुलेशन उधर ना हो, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोल दिया, हाइड्रोलिसिटी। और जिस लाइम में ये हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है, उसे हमने क्या बोल दिया, हमारा हाइड्रोलिक लाइम। अब थर्ड हमारी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हुए, थर्ड डेफिनेशन है हमारी खुद लाइम। लाइम क्या होता है, जब भी मैंने मेरा लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, क्या किया, रेड हॉट किया, मतलब उसका कैल्सिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो मुझे क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम, और साथ में CO2 और मॉइस्चर वगैरह जो भी इसके अंदर प्रेजेंट थे वो क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है, गैस बनकर वो उड़ जाएंगे, और जो पीछे मेरे को मिलेगा वो क्या होगा, मेरा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम। अब लाइम में इंप्योरिटीज के हिसाब से लाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे हाइड्रोलिक लाइम हो गया, फैट लाइम हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं पहला जो सबसे टाइप है इसका, क्विक लाइम का, और यही हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है। तो क्विक लाइम क्या रहता है, ये जनरली कैल्शियम ऑक्साइड रहता है, ठीक है, और ये किसके कैल्सिनेशन से मिलते हैं हमें, प्योर लाइम के कैल्सिनेशन से, मतलब कि जिसके अंदर इंप्योरिटीज लेस देन 5% हो। अब इंप्योरिटीज का मतलब है यहां पे क्ले की इंप्योरिटीज होती हैं, और मैंने आपको बताया कि क्ले क्या काम करती है, हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, और अगर क्ले खुद कम है तो मतलब क्विक लाइम के अंदर हमारी हाइड्रोलिसिटी, मतलब पानी के अंदर सेट होने की जो प्रॉपर्टी है वो खुद ही कम हो जाएंगी। अब जो क्विक लाइम होता है, ठीक है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, क्विक लाइम या फिर प्योर लाइम, या फिर हम इसको और क्या नाम देते हैं, कॉस्टिक लाइम। जनरली हमसे पूछ रहे थे ऑब्जेक्टिव में क्विक लाइम को और क्या बोलते हैं, प्योर लाइम, कॉस्टिक लाइम, इंप्योरिटीज क्या होती है, लेस देन 5%, और इंप्योरिटीज कौन सी होती है, क्ले की, और क्ले की इंप्योरिटी कम है तो इसके अंदर हाइड्रोलिसिटी, मतलब की पानी के अंदर जो सेट होने की प्रॉपर्टी है वो भी कम होती है, ठीक है। अब पानी के अंदर सेट होने की प्रॉपर्टी कम है तो पानी से ज्यादा केमिकल रिएक्शन करेगा, तो इसकी एफिनिटी टुवर्ड मॉइस्चर ज्यादा होगी, तो एक प्रोसेस होती है स्लेकिंग, वो भी इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। मॉइस्चर एफिनिटी
वो भी इसकी ज्यादा है कि ठीक है। ये तो कुछ प्रॉपर्टी थी, आप उसको स्पेशल नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, और जब एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या, कि इसका एक अदर नाम होता है, जब भी क्विक लाइम को रेड हॉट बाहर निकाला जाता है, एकदम ये गरम गरम आया ही है कि क्विक लाइम को हमने प्रोड्यूस कर दिया जब भट्टी से इसको निकाला है, तब हम इसको एक और नाम देते हैं लंप ऑफ लाइम, ठीक है। और इसको हमने क्या नाम दे दिया, लंप ऑफ लाइम। आगे बढ़ते हैं, क्विक लाइम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इसको वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, पानी में डाला जाता है, तो फटाफट स्लेक होता है, उस टाइम पर बहुत इमेंस हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जब भी क्विक लाइम को यूज करते हैं, हम देखते हैं कि इतना ज्यादा टेम्परेचर ना हो जाए कि फायर हैजर्ड हो जाए उधर, तो फायर हैजर्ड को ध्यान में रखते हुए क्विक लाइम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हो गया हमारा स्लेकिंग, सॉरी सेटिंग, पहले हम सेटिंग देखेंगे फिर बढ़ेंगे स्लेकिंग की ओर। तो जैसा कि हमने कंक्रीट और हमारे सीमेंट में भी पढ़ा है कि सेटिंग और हार्डनिंग दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन यहां पर हम सेटिंग और हार्डनिंग को एकदम एक बराबर ही नाम ले रहे, क्योंकि स्पेशल कुछ यूज नहीं करेंगे इसको। तो सेटिंग में क्या हो जाएगा कि सीमेंट हमारा अपनी प्लास्टिसिटी को पूरी तरह खो देगा और उसके बाद स्ट्रेंथ गेन कर देगा, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है इसकी, सेटिंग, ठीक है। अगर इसके अंदर क्ले वगैरह की इम्प्योरिटीज हो तो हाइड्रोसिटी की प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब पानी के अंदर सेट हो जाएगा, और अगर वैसे प्रॉपर्टी ना हो तो नॉर्मली ये सेट हो जाएगा। और सेट होने का मतलब है इसका सूखना नहीं, स्ट्रेंथ गेन करना, ठीक है। तो लिख देता हूं, सेटिंग का मतलब है स्ट्रेंथ गेन, नॉट सिंपल ड्राइंग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि स्ट्रेंथ गेन से मतलब है, सीधा सूखने से मतलब नहीं है सेटिंग का। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्लेक लाइन। अभी तो हमने पढ़ा था क्विक लाइन, तो जब क्विक लाइन मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करता है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड 5% से लेस इंप्योरिटीज वाला, ठीक है, कौन सा है हमारा स्लेक लाइन। तो हमने क्या किया, क्विक लाइन ले लिया 5% से लेस क्ले की इंप्योरिटीज वाला, उसको जब मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करवाई तब हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, ठीक है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा और मिलेगी बहुत ज्यादा हीट। इसी को मैं क्या बोल देता हूं, स्लेक लाइन। और ये जो प्रोसेस हो रही है पूरी, इसको मैंने क्या प्रोसेस का नाम दे दिया, स्लेकिंग, ठीक है। और जब भी लाइम स्लेक होता है तब क्या होता है, आवाज आती है हमें, साउंड आती है उधर, एक तो कटक की ऐसी आवाज आती है, और ये लाइम का पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये लाइम पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, हमारा बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, या फिर हाइड्रेटेड लाइन के नाम से आते हैं। किस किस नाम से आते हैं, हाइड्रेटेड लाइन, स्लेक लाइन, बुझा हुआ चीना, लाइन का पाउडर, ठीक है। जब इस स्लेक लाइन का, ठीक है, हमने क्या किया, स्लेक लाइन को वॉटर के साथ में इसका पोरेबल जो सस्पेंशन बनाया जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा मिल्क ऑफ लाइन, ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा मिल्क ऑफ लाइन, ठीक है। ये क्या होता है, पानी के साथ इसका पोरेबल सस्पेंशन, कि इसको हम ढाल पाए तो उसे हमने क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। तो ये थी कुछ लाइम की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम पढ़ेंगे लाइम का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। तो अभी तक आपने देख ही लिया, कुछ मैंने आपको बताया कि हमारे क्विक लाइम होता है, यानी कि प्योर लाइम हो गया, फैट लाइम हो गया, एक प्योर है तो एक इम्प्योर भी होगा, मतलब पुअर लाइम या फिर लीन लाइम हो जाएगा, और जिसमें हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या बोल देंगे, हमारा हाइड्रोलिक लाइम। तो इसी प्रकार इसके अंदर तीन टाइप हो गए। पहला टाइप तो हम पढ़ते हैं हमारा फैट लाइम, एक टाइप होता है हमारा हाइड्रोलिक लाइम, और एक होता है हमारा पुअर या फिर लीन लाइन, ठीक है। फैट लाइन में जो क्ले की इंप्योरिटीज है, क्योंकि इंप्योरिटीज जो हम देख रहे हैं, और इंप्योरिटीज होती है किसमें, लाइमस्टोन में ही होती है, ऐसे नहीं कि एक्स्ट्रा से डाली गई है। तो जो क्ले की इंप्योरिटीज होती है वो कितनी होती है इसमें, 5% से कम, ठीक है। तो उसको बोल दिया हमने, जिस लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन से जिसमें 5% से कम इंप्योरिटीज थी उसके कैल्सिनेशन से हमने लाइन बनाया, वो कहलाया फ्लैट लाइन, ठीक है। और जिसमें 5 से 30% तक इंप्योरिटीज थी उसका कैल्सिनेशन किया तो उससे मिला हमें हाइड्रोलिक लाइन,
और जिसमें 30% से ज्यादा इंप्योरिटी थी उसे हमने बोल दिया हमारा पुअर या फिर लीन लाइम। और इंप्योरिटीज कौन सी है? क्ले इंप्योरिटीज। और ये क्या देती है हमें? हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी आती है, यानी कि पानी के अंदर सेट होने वाली प्रॉपर्टी देती है। ठीक है, तो पहले को हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा कि फैट लाइन क्या है। तो फैट लाइन को और हम किससे डाल और जानते हैं दूसरे नाम से, हाई कैल्शियम लाइन। ठीक है, इसका एक अदर नाम है हाई कैल्शियम लाइन, और इसको हमने क्या बोल दिया? प्योर लाइन, क्योंकि ऑब्वियसली दिख रहा है कि 5% से कम इंप्योरिटीज है तो रिलेटिवली ये प्योर है और इसको प्योर लाइन बोल दिया। और हमने क्या बोल दिया? इसको रिच लाइन भी बोल दिया। और कलर में एकदम ये व्हाइट होता है, इसलिए हमने इसको और क्या नाम दे दिया? व्हाइट लाइन भी दे दिया नाम। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, तो इसके कुछ नाम थे कि अदर नाम से और कौन से नाम थे, और जो पिक लाइन हमने लिया था कैल्शियम ऑक्साइड, फैट लाइन उसी का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब क्विक लाइम भी क्या होगा कि इसमें स्लेकिंग जल्दी जल्दी हो रही थी, तो ये भी क्या होगा? स्लेट विग्रेसली। ठीक है, कि फटाफट स्लेक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। क्या बनाएगा ये? कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बनाएगा उस टाइम पर। ठीक है, उस प्रोसेस को बोल देते हैं हम स्लेकिंग। और ये जब सेट हो रहा होता है, यानी कि स्ट्रेंथ गेन करता है, हार्ड हो रहा होता है, उसे हम बोल देते हैं हमारी सेटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, अब ये लाइन क्या बड़ा ऐसे अच्छा सा दिखता है, दिखने में अच्छा, तो ऑर्नामेंटल वर्क वगैरह हो गए, व्हाइट वॉशिंग वगैरह होगी, तो हम उसे वहां यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हमसे डायरेक्टली पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, काफी बार पूछ चुका है ये, कि व्हाइट वॉशिंग में कौन सा लाइन यूज करते हैं हम? हमारा फैट लाइन यूज करते हैं। ठीक है, और फैट लाइन में क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी भी हमें मिलती है, कि हम इजिली इसके साथ वर्क कर सकते हैं, कि प्लास्टर वगैरह में यूज कर सकते हैं ऐसे व्हाइट वॉशिंग में, कि इजिली ये स्प्रेड हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये क्या होता है? वॉटर के अंदर सोल्यूबल होता है, कि सोल्यूबल इन वॉटर हो गया। ठीक है, और परफेक्टली व्हाइट है, परफेक्टली व्हाइट है, लेकिन एक इसके अंदर कमी रह जाती है, कि इसके अंदर स्ट्रेंथ होती है इसकी, वो नहीं होती है। तो जहां भी इंपॉर्टेंट वर्क ये करने होते हैं हमें, कि फाउंडेशन वगैरह में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, कि ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है उसमें स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहां हम फैट लाइन वगैरह यूज नहीं कर पाते। और जैसा कि आपने देखा क्ले इंप्योरिटीज कम है, तो हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी भी कम होगी, इसलिए जहां पे डैम्प एरिया होगा, वाटर लॉक स्ट्रक्चर होंगी, कि हमें फाउंडेशन वगैरह सैचुरेटेड हमारी सोइल है वहां पर यूज करना, तो फैट लाइन को वहां भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिक लाइन। हाइड्रोलिक लाइन यानी कि इसमें जो क्ले की इंप्योरिटीज होंगी किस रेंज में होंगी? 5 से 30% में। मतलब कि ऐसा लाइमस्टोन जिसके अंदर 5 से 30% के बीच में क्ले की इंप्योरिटीज होती हैं, उसका अगर कैल्सिनेशन किया तो हमें जो लाइन मिलेगा उसे हम कौन सा बोल देंगे? हाइड्रोलिक लाइन। ठीक है, अब हाइड्रोलिक लाइन है, और इसको दूसरा नाम हम क्या बोल देते हैं? हमारा वॉटर लाइन। इसको वॉटर लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पानी के अंदर इजिली सेट हो जाता है, और सेट होना किसका काम है यहां पर? क्ले का, क्योंकि क्ले ही इसको हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराती है। हाइड्रोलिसिटी पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछता है कि ये क्या होता है, मतलब पानी के अंदर सेट होने की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लिख देता हूं इधर कि सेट अंडर वॉटर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि इसमें क्ले का परसेंटेज तो ज्यादा है, क्ले के परसेंटेज होने के कारण जो इसकी स्लेकिंग होती है वो तो कम होती है, लेकिन सेटिंग इसकी ज्यादा हो जाती है, मतलब स्ट्रेंथ गेन ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेंथ गेन ज्यादा हो रहा है तो इसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसको इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं उसमें यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क्स यानी कि फाउंडेशन में, डैम्प्ड एरियाज में, और यहां पे सर्कुलेशन ऑफ एयर ना हो, वेयर नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, कि जहां पे हवा अच्छे से पास नहीं हो पा रही उस जगह इसको यूज कर लेंगे, जहां स्ट्रेंथ चाहिए वहां भी यूज कर लेंगे, जहां पर डैम्प्ड एरिया हो गए, पानी की स्ट्रक्चर होगी, पानी के नीचे सेट कराना है, उधर भी हम हमारे हाइड्रोलिक लाइन को यूज कर देंगे। हाइड्रोलिक लाइन को एक और चीज से बनाया जाता है कि जब हम एक कंकर होता है हमारे पास, कंकर का जब कैल्सिनेशन करते हैं उससे भी हमें हाइड्रोलिक लाइन मिलता है।
ठीक है। और हाइड्रोलिक लाइम हमें किससे मिलता है, बाय कैल्सिनेशन ऑफ कंकर। काफी बार ये पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में कि लाइमस्टोन हमें जो हाइड्रोलिक लाइम है वो किससे मिलता है, कंकर के कैल्सिनेशन से, ठीक है। और जब एक लाइम होता है जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्योंकि या फिर फैट लाइम में मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड डायरेक्ट था, उसमें अगर मैंने सुर्खी मिला दी, सुर्खी यानी कि क्रश ब्रिक्स होती है मेरी, उसमें अगर मैंने सुर्खी मिला दी तो मुझे आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है मुझे, आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम। हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन इसी का पार्ट है तो फिर से बता रहा हूं कि क्विक लाइम या फैट लाइम में मैंने मेरी सुर्खी मिला दी तो मुझे क्या मिल गया, मेरा आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम, जिसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोलिक लाइम की तरह ही होती है। नेचुरली नहीं मिला, हमें नेचर से नहीं मिला है, नेचुरली नहीं मिला, इसलिए कौन सा बोला हमने इसे, आर्टिफिशियल, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए लास्ट टाइप है हमारा पुअर लाइम या फिर लीन लाइम, जो कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस का होता है। ना तो इसके अंदर रंग अच्छा आता है, ना इसकी स्ट्रेंथ आती है, इंप्योरिटीज भी बहुत ज्यादा है। हालांकि ये सेट तो हो जाता है पानी के नीचे, लेकिन इसकी स्लेकिंग है बहुत स्लो है, सेटिंग भी बहुत स्लो है, ठीक है। और वेरी पुअर और इंफीरियर वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे लास्ट तीसरा नंबर पे लिखेंगे पुअर लाइम या फिर लीन, दोनों में से किसी नाम से भी पूछा जा सकता है। इंप्योरिटीज क्या होगी क्ले की, मोर देन 30% क्ले हो गए इसके लाइमस्टोन में, ठीक है। एक तो सेट भी वेरी स्लो हो रहा है और साथ में स्लेकिंग भी इसकी वेरी स्लो हो रही। स्लेकिंग का तो क्या काम था कि स्लेक हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिसइंटीग्रेट हो गया, फटाफट पानी में मिलाया, पानी में मिलाने के बाद उसे अच्छे से हमने व्हाइट वॉश कर दिया, ठीक है। उसको तो बोलते थे मिल्क ऑफ लाइम, लेकिन इसका क्या काम करे, ना तो सेट हो रहा है ना स्लेक हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हमने बोला पुअर लाइम हमारा। उसको कहां यूज करते हैं, हमारे इंफीरियर वर्क्स में, बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंस के वर्क्स होते हैं उसी जगह यूज करते हैं इसके। तो ये थे हमारे कुछ डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हमारे मोर्टारो लाइन पर। तो मोर्टारो लाइन का जो आपके पेपर में आएगा इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। तो होप्सो आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।